बसमिल्लर रहीम अलकुम वेलकम टू केमिस्ट्री विद वर तनोली आई एम एदसर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेलईकन्स को दबाएँ ताकि आने वाली न्यू वेडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है कमेंट बॉक्स में करें आज की ये जो वीडियो है इसमें आपके साथ पी सैंपल सैम्पल टेस्ट थ्री का पार्ट टू डिस्कस करूँगा इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ जो है क्वेश्चन नंबर वन से ट्वेंटी फाइव तक जो क्वेश्चन हैं उनके करेक्ट ऑप्शन डिस्कस किए थे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से फिफ्टी तक जो क्वेश्चन हैं उनके करेक्ट ऑप्शन डिस्कस करूँगा दोस्तों ये सैम्पल टेस्ट जो है ईटर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंडक्ट किया गया था पार्ट टू में सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है इंग्लिश पोर्शन का करेज और फ्रीडम इज कॉल्ट करेज और फ्रीडम जो है इनको क्या कहा जाता है द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इज ए एबस्ट्रिक्ट नाउन करेज और फ्रीडम जो है ये एबस्ट्रिक्ट नाउन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स राइट ऑप्शन इज ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गॉट डैश एंगर फॉर मेकिंग इरा यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स है इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एनी आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गॉट एनी एंगर फॉर मेकिंग इरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट choose the word opposite in meaning to rash the right answer for question number 28 is option b delay question number 28 right option is b <coughs> question number 29 no one could understand dash the right option for question number 29 is option c what he said no one could understand what he said question number 29 right option is c question number 30 she said what a lovely dress it is choose the correct indirect speech the right option is option c she exclaimed that what a lovely dress it was question number 30 right option is c यहाँ तक जो है इंग्लिश पोर्शन था टेन क्वेश्चन जो है साइंस के थे टेन मैथमेटिक्स के और टेन क्वेश्चन जो है इंग्लिश के इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट होगा सोशल स्टडी पोर्शन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से थर्टी फाइव तक फाइव क्वेश्चन जो है वो सोशल स्टडी के हैं सोशल स्टडी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज एन Important occupation in bigger South Asian countries. The right option for question number 31 is option C agriculture. Agriculture is an important occupation in bigger South Asian countries. Question number 31. Right answer is option C. Question number 32 Pakistan is the best largest producer of cotton in the world. Right answer for question number 32 is option D fourth. Pakistan is the fourth largest producer of cotton in the world. Question number thirty two. Right answer is D. Question number thirty three. The houses at Mohenjo Daro was made of the right answer for question number thirty three is option C stones. Question number thirty three Right answer is C. Question number thirty four. Pakistan is in the Daesh of subcontinent. The right option for question number thirty four is option D. Pakistan is in the southeast of the subcontinent. Question number thirty four right answer is D. Question number thirty five. Daesh was a Muslim commander in the state of Mesu. द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35 फाइव इज़ ऑप्शन बी है दरअली क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द राइट आंसर इज बी तो ये जो फाइव क्वेश्चन थे ये सोशल स्टडी के थे अब इसके बाद जो है फाइव क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो पेडागोजी के होंगे तो दोस्तों ये बात याद रखें इस पेपर में पेडागोजी के सिक्स क्वेश्चन थे अगर आपने ये बात ऑब्जर्व की हो तो पेडागोजी पोर्शन में टोटल सिक्स क्वेश्चन थे थर्टी फाइव से लेकर फोर्टी तक क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव जो है पेडागोजी पोर्शन में क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है एनेबिलिटी ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड टू हिम और हर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इज ऑप्शन डी प्लास्टिसिटी Question number 35. The right option is option D. Question number 36. The purpose of assigning homework to the student is to. The right option for question number 36 is option D. Develop self study habit. Question number 36. Right option is D. Question number 37. The main aim of education according to Plato was. The right option for question number thirty-seven is option A to develop the power of contemplation. Question number thirty-seven right option is A. Question number thirty-eight the teacher emphasizes on thinking rather than behavior and active learning rather than passive are example of the right option for Question number thirty-eight the right answer is Option D, informal processing. Question number 38, right answer is D. Question number 39, the goal of education should be the right answer for question number 39 is option D, training to make a living. Question number 39, right answer is D. सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्टी नाइन है इसका राइट ऑप्शन सी नहीं है ऑप्शन डी करेक्ट है एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स हैबिट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स हैबिट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन राइट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वैल्यू ऑफ सेटिसफेक्शन इन डैश इज एम्फोसाइज बाई द फिजियोलॉजिस्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी जो है इसका राइट ऑप्शन बी है पेडागोजी के जो सिक्स क्वेश्चन हैं इनके आंसर एक बार फिर आप सुन लें क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव राइट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स राइट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन राइट आंसर इज़ ए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट राइट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन राइट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी राइट आंसर इज़ बी अब इसके बाद टेन जो क्वेश्चन रह गए हैं फाइव क्वेश्चन इस्लामिया के हैं और फाइव क्वेश्चन जो है उर्दू के तो इस्लामियात पोर्शन के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन अरूसल क़ुरान किस सूर को कहा जाता है द रट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इज़ ऑप्शन ए सूर रहमान क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए सूर रहमान क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू जाम कुरान को कहते हैं द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इज़ ऑप्शन सी हजरत उस्मान हजरत उस्मान को जाम कुरान कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू राइट आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री बैतलम का क्याम डैश के दौर में हुआ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फोटी थ्री इज़ ऑप्शन बी हज़रतर रजील आन हो के दौर में पेतुलमाल का क्याम हुआ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर हजरत डेस ने निजैशी के सामने तकरीर की द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हजरत जाफर तैयार क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइफ वाक़े में का जिक्र डेश सूरा में है राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी सूर बनी इसराइल में है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी बनी इसराइल इस्लामियात जो के जो फाइव क्वेश्चन हैं इनके राइट आंसर एक बार फिर सुन ले क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन राइट ऑप्शन इज़ ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू राइट ऑप्शन इज सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री राइट ऑप्शन इज़ बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर राइट ऑप्शन इज़ बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव राइट ऑप्शन इज सी इसके बाद लास्ट फाइव क्वेश्चन हैं उर्दू के क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है सकता तारी हो जाने का मतलब है द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इज ऑप्शन ए हैरान होकर हामोश हो जाना सकता तारी हो जाने का मतलब है हैरान होकर हामोश हो जाना क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स राइट ऑप्शन इज ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन किस तरकीब में साप का इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी में इंसानियत क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन राइट ऑप्शन इज़ बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट गर्विदा के मानी हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी नहायत चाहने वाला गर्विदा के मानी हैं नहायत चाहने वाला क्वेश्चन नंबर राइट ऑप्शन इज बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन कब क्या को डेश हरूफ कहा जाता है द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हरूफ इस्तफाम क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन राइट ऑप्शन इज बी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तुमने मेरी बात सुनी होती तो नुकसान न उठाते डेश तुमने मेरी बात सुनी होती तो नुकसान न उठाते क्वेश्चन नंबर फिफ्टी राइट ऑप्शन इज बी अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो नुकसान ना उठाते क्वेश्चन नंबर फिफ्टी राइट आंसर इज़ बी अगर तो ये जो है पी एच टी साम्पल टेस्ट थ्री के फिफ्टी वन एम सी क्यूज़ थी जिनके करेक्ट ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर मैंने कन्फर्म करके आपको बताए हैं थैंक यू फॉर वाचिंग